हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हुए, तो एक बार पुनः हम लोग 10वीं कक्षा के लिए त्रिभुज और पर्सनालिटी 6.3 का ये मेरा फोर्थ लेक्चर होगा। और ये फोर्थ लेक्चर क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले थर्ड लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज एक बार अपना 6.3 के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। कह रहा है कि और किसी को भी कहीं से भी कोई समस्या होगी हमारे पढ़ाए गए, ठीक ना, इस चैनल पर हमारे द्वारा, तो यहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक ना, तो आप इससे अपनी सहायता हमसे ले सकते हैं। अब आइएगा, कह रहा क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD, एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है, दर्शाइए इतना समरूप इसके होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस तो हम लोग लगा चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा और टेक्निकल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, थोड़ा सा ये क्वेश्चंस हट करके लगेगा। कैसे लगेगा अभी आपके सामने ये स्पष्ट कर दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, हम लोग क्या लिखते हैं भैया, दिया है। इसके बाद में क्या लिखते थे, सिद्ध करना है। इसके बाद क्या लिखते हैं, रचना, आवश्यक है तो। और लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, उत्पत्ति, जिसे हम लोग प्रूफ कहते हैं। अब हमें इन चार चरणों का प्रयोग यहाँ करना है। चार चरणों में एक और दो क्वेश्चंस में गिवन डेट होते हैं, हम उसके आंसर मतलब इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। थर्ड और फोर्थ अपने विचार से करते हैं। बात समझ में आ रहा ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है, तो दे दिया गया है दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR। तो दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR, ठीक है ना। अब क्या है कि हम दो त्रिभुज पहले बना लेते हैं सुंदर सा, दो त्रिभुज हमने सुंदर सा बना लिया। अब क्या है, इसका नामकरण अगर कर दें तो उसमें कोई बड़ी बात तो होगी नहीं। यहां ABC और PQR। अब क्या कह रहा है कि इसकी माध्यिका है AD, तो जाहिर सी बात है ये सपोज करते इसकी माध्यिका AD है, और इसकी जो माध्यिका वो PM है। जिस भुजा पर माध्यिका होती है उस भुजा को क्या करती है, सब लोगों को पता है, दो बराबर भागों में काटती है, विभाजित करती है। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या दिया है हमें भैया, ध्यान दीजिएगा, हमें दिया है कि इस त्रिभुज की भुजा AB और इसी त्रिभुज की भुजा AC और इसी त्रिभुज की माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, ठीक है ना, PR और माध्यिका PM के समान पाती है। मतलब AB बटे PQ इक्वल AC बटे PR इक्वल AD बाई PM, ये गिवन डेट है। इस चीज को मैं लिख लेता हूं, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या, AB बाई PQ, AB बाई PQ इक्वल AC बाई PR इक्वल AD बाई PM, ये इतना चीज हमें दिया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस समझना है आपको। दूसरी बात क्या है कि सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें एक क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो था 12 था, थर्ड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 था,
यही क्वेश्चन था, लेकिन ये भुजा ना दे करके ये भुजा दे दिया गया था। बात समझ में आ रहा है ना, और आसानी से उसको हमने प्रूव कर लिया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन से बझा कर दिया है, ये टेक्निकल क्वेश्चन से। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं कि जितनी लंबाई AD की है उतनी ही लंबाई हम लोग DE की कर लेते हैं। AD ठीक है ना, रचना में ध्यान दीजिएगा, AD बराबर DE, AD बराबर DE, या ऐसे कह सकते हैं AD को आगे तक DE तक बढ़ाया, DE तक बढ़ाया, जिसमें AD, अब बढ़ाया तो कितना बढ़ाया, जिसमें AD बराबर DE। तो आइएगा, ये हमारे पास D है, इस चीज को हमें आगे तक बढ़ाना है, तो आइए बढ़ा दिया जाए। मैंने इसको आगे तक ऐसे बढ़ा दिया, कहाँ तक बढ़ा दिया, जितनी इसकी लंबाई है वही लंबाई इसकी है, और इसका नामकरण मैंने कर दिया E, ठीक है ना। AD बराबर DE, अब क्या करते हैं, E को B व C से मिलाया। तो चलिए, हमने E को B और C से मिला दिया। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक इसी प्रकार से हमने दूसरे वाले में भी क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, और ये चीज़ आप लोग स्वयं लिख लीजिएगा। हमने क्या किया, ठीक है ना, PM को आगे तक MN तक बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया, MN तक, इस प्रकार बढ़ाया कि जितनी लेंथ PM की है उतना ही लेंथ PN की है। इतना बात क्लियर है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, मिलाया था, वही मिलाने का कार्य हम लोग पुनः करेंगे। ये चीज हो गया, और इसका नाम क्या था, क्यू था। इतना बात तो स्पष्ट है, ये चीज आगे आप लोग लिख लीजिएगा जैसे मैंने इसको लिखा। अब मैं उत्पत्ति करने जा रहा हूँ, उत्पत्ति मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से PM को आगे MN तक बढ़ाया, और इस प्रकार बढ़ाया कि PM बराबर MN, अब N को Q और R से मिला दिया। अब एक बात स्पष्ट है कि हमारे पास ABEC एक चतुर्भुज है, ABEC एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज कैसा है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इस चतुर्भुज ABEC के दो विकर्ण हैं, एक विकर्ण का नाम BC है और दूसरे विकर्ण का नाम AE है, और दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं इस पॉइंट D से। अगर देखा जाए तो ये D है, ये D पॉइंट क्या कर रहा है कि जितनी लंबाई AD की है उतनी ही लंबाई DE की है, और जितनी ही लंबाई BD की है उतनी ही लंबाई DC की है। तो इस प्रकार से ये जो चतुर्भुज बनेगा वो एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अच्छा, हम किस बेस पर कहा कि ये समांतर चतुर्भुज है, मैंने किस बेस पर कहा, मैंने यही कहा, वर्ग तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना, मैंने यही कहा आपसे कि ये आपके पास एक चतुर्भुज बना ABEC जिसके दो विकर्ण है, एक का नाम AE है और एक का नाम BC है, दोनों विकर्ण परस्पर बिंदु D पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। अब काट रहे हैं तो क्लास 9th में हम लोग चतुर्भुज के प्रकार पढ़े थे, जिसमें से समांतर चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी ये भी था, गुणधर्म ये भी था कि क्या करते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं, कहां से, उनके प्रच्छेद बिंदु से। तो यही प्रच्छेद बिंदु है, जितनी AD की लेंथ होगी उतना ही लेंथ DE की है, जितना ही लेंथ BD की होगी उतना ही लेंथ DC की है। ये बात समझ में आ रहा ना। तो इस बात से अस्पष्ट है कि ABEC एक हमारे पास कौन चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो इस चीज को मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली,
चूंकि ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए क्या होगा, ए बी किसके बराबर होगा भैया, सी ई के बराबर होगा। ए बी बराबर सी ई तथा बी ई बराबर किसके होगा, ए सी के होगा। इतना बात तो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार PQNR भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। इतना बात तो क्लियर है, इसलिए क्या हो जाएगा, PQ किसके बराबर हो सकता है, PQRN के बराबर हो सकता है तथा QN किसके बराबर हो सकता है, PR के बराबर हो सकता है। इतनी बात तो क्लियर है। एक बार पुनः, अगर ये समांतर चतुर्भुज होगा तो इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो AB और CE बराबर होगा, इसके बाद BE AC के बराबर होगा, ठीक इसी में, ठीक है ना, PQRN के बराबर होगा, QNPR के बराबर होगा। इतनी बात तो स्पष्ट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा जो चीज़ मुझे प्रूव करना है, मुझे दिखाना है कि जो त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज PQR के समरूप है। अगर देखा जाए तो AB बटा PQ इक्वल AC बटा PR, ये दो संगत भुजाएं अनुपातिक है। अगर इनके बीच का कोण भी बराबर हो जाए, तो हमने पढ़ा था यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा उन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समानुपाती तो हैं लेकिन कोण बराबर नहीं है। वही कोण अगर बराबर कर ले जाए, कोण ए बराबर कोण पी कर ले जाए, तो आसानी से इस चीज को मैं प्रूफ कह सकता हूं। तो उसी चीज के लिए इतना सारा कार्य किया जा रहा है। अब क्या है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि AB बाई PQ इक्वल AC बाई PR इक्वल AD बाई PM, ये कहाँ से है, ये चीज दिया है। अब इसके बाद क्या है, या AB बाई PQ, मैंने इस चीज को ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद क्या है, अगला कार्य AC किसके बराबर है, BE के बराबर है, मैंने उसको लिख लिया। PR किसके बराबर है, QN के बराबर, इसको लिख लिया। काहे लिख लिया, अभी बात स्पष्ट आ जाएगी। और AD बाई PM को इस ज्यों का त्यों ऐसे लिख दिया। अगर हम कह दें दो से गुणा कर दें, दो से भाग कर दें, तो क्या हमारे ऊपर कोई विपत पड़ने वाली है, नहीं। अब आइएगा, क्या आप लोगों ने देखा, आपने देखा क्या, AB बाई PQ, इसके बाद में BE बाई QN, और इसके बाद आपने पढ़ा देखा ट्वाइस AD बाई ट्वाइस PM। कहीं ना कहीं हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम ABE है, और इस प्रकार से इसमें भी एक त्रिभुज PCN बन रहा है। अब एक काम करिएगा, यहाँ से क्या करना, एक भुजा इस भुजा के अनुपातिक हो गया, ये भुजा इस भुजा के अनुपातिक हो गया। अब अगर ये त्रिभुज लेना है तो यहाँ तक नहीं काम चलेगा, हमें यहाँ तक लाना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने दो से गुणा किया। अब आप बताइए, जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी है, मतलब अगर इसका दूना होगा तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, क्या इस चीज़ को हम लिखने वाले हैं एक लाइन में, AB बाई PQ इक्वल
BE by QN equal twice time AD को हम लोग लिखने वाले हैं AE। अरे भैया इसी का दुगना, इसका दुगना अगर कर देंगे तो इसके बराबर तो हो ही जाएगा ना, तो इसीलिए मैंने उस चीज़ को twice time लिखा था AE by twice time PM को हम लोग लिख सकते हैं केवल और केवल PN। अगर इतना बात समझ में आ गया तो लिख सकते हैं अतः किसी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं समानुपाती हो गई तो क्या होगा, अतः भुजा 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 समरूपता समरूपता नियम से क्या होगा, हो जाएगा त्रिभुज ए वी ई समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू एन के। इतनी बात तो स्पष्ट है, त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के, इतना बात तो स्पष्ट है ना। अगर समरूप हो जाएगा तो हमें चूंकि इसी कोण से मतलब है तो ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समरूप त्रिभुज हैं तो उसके संगत कोण बराबर होंगे, अर्थात कोण ए बराबर कोण पी, ठीक है ना। इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इतना पूरा नहीं, इतने का है, कोण ए बराबर कोण पी, ये चीज हो गया। लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिख लीजिएगा समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ये चीज लिख लीजिएगा समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अब आप बताइए जैसी घटना ए बी ई में घट सकती है किसके साथ, पी क्यू एन के साथ, ठीक उसी प्रकार से ए सी ई और पी क्यू एन में नहीं घट सकती है, बिल्कुल सेम प्रोसेस, जैसा इधर है वैसा उधर है। लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ACE समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQN के। भैया ये हमार लाल जैसे हम यक्का दिखाएं तैसे यक्का दिखा सकीला ना, और ये इतना आप लोग कर सकते हैं, ना करिए तब भी समझ करके कर दीजिए कि हाँ माना जाएगा। एग्जाम में अगर इतने ही लिखते हैं लेकिन ये तुक्का नहीं, समझ करके लिखना है। हम तो ये कह रहे हैं कि जैसी प्रोसेस मैंने यहाँ फॉलो किया ठीक इसी प्रकार से यही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, एट लास्ट इतना हम लोग पा जाएंगे। अब आप बताइए कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा, अर्थात कोण ए बराबर कोण पी। अब ध्यान दीजिएगा अब की बार क्या होगा, अब की बार ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसकी सहायता से इस कोण को इस कोण के बराबर दिखाया, इसकी सहायता से इस कोण को इस कोण के बराबर दिखाया, अगर दोनों को जोड़ लेंगे तो उस कंडीशन में ये बड़ा कोण लिख सकते हैं यहां से एक, लिख सकते हैं यहां पर दो, ठीक है ना। संबंध एक और दो से, संबंध एक और दो को मिला दीजिए, ठीक है ना। संबंध एक और दो को मिलाने पर इसको मिटा करके यही लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। संबंध एक व दो को मिलाने पर तो कोण ये धन कोण ये बराबर कोण पी धन कोण पी। अब क्या होगा, इतना धन इतना बराबर पूरा हो जाएगा कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर इतना धन इतना बराबर का हो जी पूरा कोड़वा कोड क्यू पी आर, कोड क्यू पी आर। मैंने ये चीज दिखा दिया, जो चीज मुझे चाहिए था उस चीज को मैं दिखा दिया। अब जो त्रिभुज समरूप दिखाना है हम उसकी सिलेक्शन करके अपने कार्य को प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। यहां से क्या होगा अब ध्यान दीजिएगा, मैं लिखने वाला हूं इस चीज को मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज तो अभी थोड़ा सा जगह मुझे चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा जो दो त्रिभुज हमें समरूप दिखाना है हम उन दो त्रिभुजों का सिलेक्शन कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख दे रहे हैं त्रिभुज क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण पी क्यू सॉरी क्यू पी आर, ये कहाँ से है, उपरोक्त से, और साथ ही साथ तथा
ए बी बटे पी क्यू इक्वल ए सी बटे पी आर, ये कहाँ से दिया है, लिख सकते हैं। मैंने एक थ्योरम प्रूव किया, दो त्रिभुजों के अगर कोई दो कोण बराबर हो जाएं और उनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो जाएं, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस कोण को अंतर्गत करने वाली दो भुजाएं हैं और इस कोण को अंतर्गत करने वाली दो भुजाएं हैं और दोनों भुजाएं समानुपाती हैं। उस स्थिति में कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, काहे होगा, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से। स्पष्ट हो गया ना, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस केवल और केवल एक टारगेट आपको फॉलो करना था, इस कोण को इस कोण के बराबर दिखाना, और इस कोण को इस कोण के बराबर दिखाने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसा कुछ रचना कर दीजिए, रचना करने के बाद क्या होगा, सब कुछ तो दिया ही दिया है, अब एड क्या करना है कि एसी को, एसी और इसको हम लोग क्या करते हैं भैया, AC को हम लोग BE के बराबर, PR को QN के बराबर, और इसी में 2 का गुणा करते हैं और इसमें भी, और इस स्थिति में ट्वाइस टाइम AD AE के बराबर हो जाएगा, ट्वाइस टाइम PM PN के बराबर हो जाएगा, तब आप क्या पाएंगे, पाएंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQN के। अगर समरूप होगा तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, तो कोण A कोण P के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से स्थिति दूसरे त्रिभुज ACE समरूप होगा पी आर एन के, तो कोण ये कोण एक पी के बराबर होगा। आप कहेंगे सर जी इसी कोण के ऊपर क्यों आप फिदा हुए हैं, हमने इसलिए फिदा हुआ क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं तो हमें दिया है, बस कमी है तो केवल एक कोण की, और वही कोण मैंने बराबर दिखा दिया, डेट्स प्रूव हो गया। नोट करिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, समय बचाने के लिए ऐसा मैंने कार्य किया। कह रहा लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। कह रहा 6 मीटर लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, एक क्या है स्तंभ जिसकी लंबाई 6 मीटर है। अगर लंबाई 6 मीटर है तो जाहिर सी बात है अगर दिन में है तो उसकी परछाई बनेगी। तो कह रहा लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहला काम हमें फिगर समझना होगा, तदोपरांत हम अपने कार्य को प्रारंभ करेंगे हल करने में। तो आइए चलते हैं, लिखते हैं हल। अब आइएगा, कह रहा 6 मीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक स्तंभ है और इस स्तंभ का नाम ए बी है, और इसकी जो हाइट दिया है वो दे दिया गया 6 मीटर। ये स्तंभ है, ये क्या है स्तंभ है। अब कह रहा 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया, छाया इधर कहीं बनेगी, उस छाया की जो लंबाई है वो कह रहा 4 मीटर, ये दे दिया गया है 4 मीटर। इसके बाद क्या कह रहा है कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक मीनार है, एक मीनार है और इस मीनार की लंबाई, ये मीनार, इसका नामकरण मैंने कर दिया मीनार, और यहाँ नामकरण मैंने कर दिया पी क्यू, क्या कर दिया पी क्यू कर दिया, और इसकी लंबाई कितना दे दिया गया 28 मीटर। कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, सॉरी, एक मीनार की छाया की लंबाई, छाया की जो लंबाई है वो दे दिया है हमको इस बार 28 मीटर। हमें बताना है कि वो मीनार कितनी ऊंचाई का है, तो सपोज करते हैं मीनार की ऊंचाई कितना है भैया, x मीटर है। तो यहाँ से काम करते हैं, इस चीज़ को इस सुंदर सा मिला दिए, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या है, एक काम कर लेते हैं, काम क्या करना है ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक त्रिभुज बनना है क्या पी क्यू सी और एक बनना ए बी सी। तो आइए चलते हैं, त्रिभुज पी क्यू सी व त्रिभुज ए बी सी में
ए हमार लाल, फिगर तो समझ में आया होगा ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अरे यार देखिए, स्तंभ है 6 मीटर, तब उसकी परछाइयां 4 मीटर, कहा तो उतना ही समय यहाँ पर यकठू मीनार खड़ा है और वकर परछाई 28 मीटर बाय, तो हमसे पूछत बाय काओ, हमसे पूछत बाय कि मीनारवा कितना ऊंचाई का रहा, तो हम मान लेन भाऊ मीनार हमार 1 मीटर रहा और हमने नामकरण तो पहले कर दिया। अब हमने क्या किया कि दो त्रिभुज हमारे पास बनना, एक बनना पी क्यू सी और एक बनना ए बी सी। अब इसमें क्या है, इसमें पहला चीज क्या है कि कोण सी बराबर कोण सी काहे हो उभयनिष्ठ है, क्योंकि एक ही दो अलग अलग त्रिभुजों के एक कोण तो दोनों में उभयनिष्ठ तो बराबर ही होंगे। इसके बाद हाई क्या डिग्री बन रहा है 90, कोण बी कोण क्यू बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री, और किन्हीं दो त्रिभुजों के अगर दो कोण बराबर हो जाएं तो वो दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो प्रतिबंध लिख देते हैं क्या, कोण कोण समरूपता नियम से, कोण कोण समरूपता नियम से क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी की। अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। हमें मतलब इससे है, हमें मतलब इससे है, इससे है और इससे है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब भैया जाएंगे किसी पार्टी में खाना खाने, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मीट मच्छी भी बना है जिसे मांसाहारी कहते हैं, और सपो एक शाकाहारी भी बना है। अब बंदा अगर शाकाहारी खाने वाला होगा तो मांसाहारी क्यों खाएगा, तो हमें जो आवश्यकता है हम उन्हीं को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, आवश्यकताओं के जो अनुसार नहीं होगा उसको हटा देंगे। तो भैया लिख सकते हैं पी क्यू, पी क्यू के संगत क्या है, पी क्यू के संगत ए बी है, और क्यू सी, क्यू सी के संगत क्या है, बी सी है। तो बड़ा आसान सा चीज हो गया, सारा काम तो हो गया। पी क्यू का मान यक्स है, ए बी का मान 6 है और बी सी का मान 28 है, सॉरी हाँ 28, और क्यू सी का मान 28 है और बी सी का मान 4 है, 4 6 24, 4 7 28, और यहाँ से यक्स बराबर 7 6 42, अर्थात उस मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, 42 मीटर हो गई। और इस प्रकार से हमने आज क्वेश्चन नंबर 15 को भी यहीं ख़त्म कर दिया। नोट करिए, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 16 में, जो कि अंतिम सवाल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के, और हमें जो सिद्ध करना है तो सिद्ध कीजिए, कि क्या सिद्ध करना हमें, ए डी बाई पी क्यू, हमें सिद्ध करना है ए बी बाई पी क्यू इक्वल ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो कुछ भी दिया हुआ है वो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली 35 का करूँगा, क्योंकि ये चीज़ तो इतना गिवन डेट है ये है, और इतना समरूप मतलब इतना मुझे दिखाना है। तो पहला काम क्या करते हैं, दो त्रिभुज सुंदर सुंदर हम लोग क्या करते हैं, बना ही लेते हैं। तो चित्र उत्र बना नहीं पाते हैं उतना अच्छा हम, हमने दो त्रिभुज बना लिया, एक का नाम कर दिया ए बी सी, ए बी सी, और दूसरे का नाम कर दिया पी क्यू आर। एक माध्यिका इसकी है भैया ए डी, और इसकी एक माध्यिका है भैया पी एम। ये बात हो गया, और हमें दिखाना है क्या, ए बी बाई पी क्यू इक्वल ए डी बाई पी एम। तो जाहिर सी बात है, बड़ा आसान सा चीज़ है, एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, अगर ये त्रिभुज त्रिभुज के समरूप दिखा ले गए तो काम हो गया। तो चलते हैं, लिखते हैं, चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ये चीज दिया है,
अगर दिया है ये चीज तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू। समरूप त्रिभुजों की संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं तथा भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तथा ये भी लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी बाई क्यू आर इक्वल ए सी बाई पी आर। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। इसका मुझे कोई काम नहीं है क्योंकि मुझे यही त्रिभुज में चलना है, तो हमें क्या करना था, मेन मेरा जो था ये वाला कोण, इस कोण के बराबर मैंने दिखा दिया समरूप होने के कारण। अब ध्यान दीजिएगा ए बी बाई पी क्यू तो सही है, जो चीज़ मुझे प्रूव करना है ये तो मिल रहा है, बस ए डी पी एम को रिप्लेस करना है बी सी क्यू आर के पदों में, तो कोई बड़ी बात थोड़ो ना है यार। अगर ये माध्यिका है, अगर ये माध्यिका है इस भुजा पर, तो जाहिर सी बात है इस भुजा को दो बराबर भागों में क्या करेगी, बांटेगी, ठीक इसी प्रकार से यहाँ बांटेगी। तो जो बी सी है वो क्या है, बी डी आधा हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा। तो लिख देंगे चूंकि ए डी भुजा बी सी पर माध्यिका है इसलिए क्या लिख सकते हैं, जो बी सी है ठीक है ना, बी सी बराबर हाफ बी डी, सॉरी बी डी इक्वल हाफ बी सी। अब इसके बाद ठीक उसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं ठीक है ना, क्यू क्यू एम बराबर हाफ क्यू आर। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इस चीज को मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूं, अब त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में कोण बी बराबर कोण क्यू उपरोक्त से, मैंने इसको प्रूव किया, तथा ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी मतलब बी डी और हाफ हाफ कट जाएगा ठीक है ना, क्यू एम लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, ए एम बाई पी क्यू इक्वल बी डी सॉरी ए डी बाई पी एम। आवश्यकता अनुसार इस चीज़ को भी मैंने क्या किया, प्रूफ कर दिया, समझ में आया, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत लगा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सभी दोस्तों से तब तक के लिए नमस्कार। अगला प्रश्नावली हमारा होगा 6.4 का, लेकिन उसके पहले हम थ्योरम प्रूफ करेंगे।